बिलासपुर के लुहणू मैदान में चल रहे ऐतिहासिक नलवाड़ी मेले में दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कोविड-19 के चलते चार दिनों तक चलने वाले इस कुश्ती को घटाकर केवल दो दिनों का किया गया। वहीं इस कुश्ती प्रतियोगिता में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से कई पहलवान पहुंचे हैं, जिनका प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले रजिस्ट्रेशन कर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना आरटीटी टेस्ट किया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही पहलवानी करने का अवसर दिया गया। वहीं इस प्रतियोगिता के शुभारंभ पर बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इसके साथ ही बिलासपुर उपायुक्त रोहित जम्बाल सहित प्रशासनिक अधिकारी भी छिंद मैदान में मौजूद रहे। वहीं विधायक सुभाष ठाकुर का कहना है कि कुश्ती प्रतियोगिता राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, मगर इतिहास में पहली मरतबा बीते वर्ष कोरोना महामारी के चलते ये मेला नहीं हो पाया था, मगर इस बार मेले के आयोजन के साथ केवल दो दिन ही छिंद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजा महाराजाओं के समय से मेले व छिंज का आयोजन किया जाता रहा, जिसके चलते लोगों में इसका अपना ही अलग महत्व है। इसी बात को देखते हुए इस बार छिंज का आयोजन किया गया और अगले वर्ष कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद नलवाड़ी मेले में छिंज का शानदार आयोजन किया जाएगा, ताकि हमारी संस्कृति व प्रथाएं जिंदा रह सके। गौरतलब है कि नलवाड़ी मेले में बड़ी माली व हिम केसरी को लेकर छिंज प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है, जिससे प्रदेश प्रदेश के पहलवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें विजेता व उपविजेता पहलवान को गुज व इनाम राशि दी जाएगी।